Good evening, ladies and gentlemen. I'm Swati Joshi. Kubra, thank you for the lovely introduction, and thank you to the audience for the thunderous round of applause. I know it's all for him. So let's start the session with the Nazafgarh ke Nawab. Welcome, sir. Thank you very much. Actually, acha maza aa raha tha sunne mein. Backstage, na? Aapka introduction to waqai mein bahut badhiya tha. Jab aap ne decide kiya that you want to retire, the fans thought that Team India has lost now the desi charm. But look at you. You're everywhere. आप तो हर जगह छाए हुए हैं, फ्रॉम द कमेंट्री बॉक्स टू सोशल मीडिया. यू हैव नॉट गिवन योर फैंस अ चांस टू मिस यू. हाँ, लेकिन ये एक प्लानिंग थी कि एक जगह से जाओ तो बाकी जगह खुल जाती. तो शायद मैं इंडियन टीम से निकला जहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा लोग चाहते थे जब मैं खेलता था. अगर मैं उसके बाद अगर सोशल मीडिया पर नहीं आता तो शायद मुझे सोशल मीडिया पर बहुत गालियाँ भी पड़ती, लोग बहुत बारी कहते, मिस भी करते ये वो. लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मेरा बल्ला बोलता था. तो जब मैंने क्रिकेट खेलना बंद किया तब मैं सोच रहा मैं करूँगा क्या. तो फाइनली ट्विटर पे आया मैं, थोड़ा कुछ मैंने लिखना स्टार्ट किया, फिर कमेंट्री की ऑफर्स आई. तो कमेंट्री में भी मुझे लगा कि यार नॉर्मली हर कोई सेम कमेंट्री कर रहा है तो मुझे कुछ शायद थोड़ी अलग तरह की कमेंट्री करनी चाहिए. और वैसे ही ट्विटर पर भी मैंने हम लोगों ने यार दोस्त बैठे हुए थे कि भाई बर्थडे तो सब लोग शेयर करते हैं, हम लोग बात करते हैं यार विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे ब्ला ब्ला ब्ला, तो हम लोग कुछ ऐसा लिखे जिसे शायद पढ़कर लोग हंसे भी और उसको हंसते हंसते विश भी करें. तो शायद वहाँ से वो आइडिया आया. और तब जो शायद सबसे फेमस एक मैंने बर्थडे विश की थी वो जिमी एंडरसन के लिए की थी, कि जिमी एंडरसन से पहले ही एंडरसन फेमस थी, पैमेला एंडरसन. तो शायद उसके बाद लोगों को उसमें मज़ा आया, उसके रीट्वीट्स इतने हुए उस पर, मैसेजेस लोग इतने टाइप करने के लिए, तो मुझे लगा कि शायद वो एक ट्रेंड बना दिया मैंने. जब तो लोग बड़ा इवेंट होता है पीपल एक्चुअली वेट फॉर योर कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया नाउ. तो एक्चुअली सब लोग इंतजार करने लगे अब अगला बर्थडे किसके आएगा. और तो मेरे जो दोस्त थे मुझे मैसेज मिले भाई उल्टा सीधा मत लिख दियो शादीशुदा हूँ, तो वो भी कहने लग गए. तो उनको मैं जवाब देता था कि नहीं मैं कुछ ऐसा फनी लिखूंगा ना. अब वो ट्रेंड मैंने छोड़ दिया क्योंकि वो ट्रेंड अब बहुत लोगों ने ले लिया है. तब देखा होगा आपने कि बहुत सारे बड़े बड़े क्रिकेटर भी हर एक एरे गेरे को भी विश करने लग गए. तो देन अब वो हम लोग कहीं और चले. सर, आप तो ट्रेंड सेटर है, यू फॉलो एंड देन यू नेवर लुक बैक, पीपल फॉलो यू. ऑफ कोर्स, ट्रेंड सेटर ट्रेंड सेट करता है, उसके बाद मूव ऑन हो जाता है. वो मैंने कर दिया. यू नो आई हैव टू कन्फेस दैट आई एम नो एक्सपर्ट ऑन क्रिकेट एंड आई नो दैट्स अ शेम. But whenever somebody takes your name is mentioned, there's just one memory that comes to my mind. And this is from a crazy drawing room situation, drawing room conversations. मैंने वही matches देखे हैं जो जिसमें Team India खेल रही होती है, तो मुझे उतना ही cricket का ज्ञान है. लेकिन जब भी आप खेलने आते थे, crease पर होते थे, my dad or my brother, they'd say, सहवाग है ना, सहवाग खेलेगा. And we were not allowed to change our seats when you were playing. So our lives literally depended on you. जब तक आप वहाँ पर खेल रहे हैं हमको इजाज़त नहीं होती थी सीट्स अपनी चेंज करने की. आई थिंक मेरे घर में भी यही होता था, खासकर जब मेरी शादी हुई उसके बाद. तो एक तरफ मेरी माँ थी, एक तरफ मेरी वाइफ थी. तो वो अब वाइफ सुपरस्टिशियस नहीं थी लेकिन माँ थी, तो उनको भी उनकी बातें माननी पड़ी कि आप यहाँ से उठोगे नहीं, आप कुछ खाओगे नहीं, आप टी वी देखते रहोगे. तो एक फ़नी किस्सा हुआ था, सुपरस्टिशियस का तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं. मेरा एक नंबर था 44, जो कि मुझे मेरी चॉइस से नहीं मिला था क्योंकि मैं टीम में सिलेक्शन हुआ. तो शायद जो कपड़े बनाने वाली कंपनी थी उसको लगा कि सिराज बहुतले सिलेक्ट होगा, तो उन्होंने सिराज बहुतले 44 लिख के टी शर्ट बना दी. बट लकीली मैं सिलेक्ट हो गया तो मुझे वो टी शर्ट मिली. तो मैं नाम तो मैंने छुपा दिया, नंबर बहुत बड़ा था मैं छुपा नहीं पाया, तो वो 44 नंबर मेरा हो गया. लेकिन धीरे धीरे मैं खेलता रहा. तो 2005-06 में जब मेरा ख़राब टाइम आया तो मेरी मदर किसी जोशी के पास गई, तो उन्होंने पूछा भाई इसका क्या नंबर होना चाहिए. तो जोशी ने कहा कि 46 नंबर होना चाहिए. तो माँ ने 46 नंबर बताया, मैंने 46 पहन लिया, उससे भी कुछ हुआ नहीं. तो बीवी मेरी बहुत एस्ट्रोलॉजी की किताबें पढ़ती है, बहुत डीपली इसमें है. तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपका नंबर 2 होना चाहिए. तो मैंने 2 नंबर की टी शर्ट पहन ली, बट हुआ फिर भी कुछ नहीं. एक चीज़ ज़रूर हुई कि अब सास बहू की लड़ाई हो गई और फंस गया मैं, कि अगर मैं अपनी माँ की सुनता हूँ तो मुझे 46 नंबर पहनना पड़ेगा
बीवी को सुनता हूँ तो दो नंबर पहनना पड़ेगा, तो मैं दो टीस्टें बनवा के लेके गया, एक 46 और एक 2, तो एक मैच में एक, एक मैच में एक ऐसे पहनता था। फिर ICC का रूल आया कि आप एक ही नंबर चूज़ कर सकते हो, तो मैंने क्या किया कि तब उसके बाद से मैंने नंबर पहनना बंद कर दिया। तो माँ भी खुश और बीवी भी खुश। आपका अपना भी कोई पर्सनल रिचुअल होता था ड्रेसिंग रूम में बिफोर यू वेंट आउट ऑन द क्रीज? नहीं, मेरा कभी नहीं होता था, बट हमारे घरों में जब भी नया घर बनाते हैं तो आप जाते हो तो शायद जर्नली राइट पैर पहले आप अंदर रखते हो। तो मेरा एक ये था कि जब मैं बैटिंग करने जाता था तो रस्सी के उस पार राइट पैर अंदर पहले रखता था और ऊपर भगवान को याद करता कि आज कुछ कृपा कर देना बस। अगर उनकी कृपा हो जाती थी तो दूसरे मर जाते थे, नहीं होती थी तो हमारे लोग मर जाते थे। चाहे आपके ट्वीट्स हो या आपका बेबाक तरीके से अपनी बात कहने का अंदाज हो, मुझे लगता है लोग आपसे इसीलिए इतना ज़्यादा रिलेट करते हैं क्योंकि आप बहुत मॉडेस्ट हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, सब कुछ आपके दिल से आता है। जैसे आप वीरू का ज्ञान या वीरू का फंडा हैशटैग कभी कभी चला देते हैं अपने ट्वीट के साथ, आई थिंक पीपल रिलेट टू दैट। आई थिंक और कोई शायद ऐसी कोई बातें लिखता नहीं है शायद, इसलिए मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि वो मुझसे रिलेट करते, बट ये कि हाँ ज़िंदगी में वैसे इतनी टेंशन है, प्रेशर है, तो वो सब बातें क्यों कहनी, क्यों लिखनी। आप ऐसा कुछ लिखिए, ऐसा कुछ कहिए कि जिससे लोग थोड़ा हंस सके, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में मुस्कुराहटें कम आती हैं, तो अगर मैं किसी को मुस्कुराहट दे सकूँ तो फिर क्यों ना दूँ। तो शायद इसलिए मैं ये सब चीज़ें करता हूँ। हालांकि मुझे मेरे दोस्तों ने कहा भी यार तू इतना बड़ा प्लेयर है, तू मतलब वो मुझे लेजेंड मानते, मैं अपने आप को लेजेंड नहीं मानता। तो मैं कहता हूँ कि अगर सचिन तेंदुलकर लेजेंड है और सहवाग भी लेजेंड है तो फ़र्क क्या है फिर लेजेंड में? तो क्राइटेरिया होना चाहिए कि अगर आप तेंदुलकर को, द्रविड़ को, इनको लेजेंड मानते हो, कुंबले, आई थिंक मेरी नज़र में 2 या 3 ही लेजेंड बने इंडिया के, जो उसमें एक सुनील गावस्कर है, एक कपिल देव है, एक तेंदुलकर हैं, एक अनिल कुंबले हैं। ये 4 लोग हैं जो लेजेंड की कैटेगरी में आते हैं, बाकी सब लोग ग्रेट प्लेयर्स की कैटेगरी में। आप अपने आप को क्या मानते हैं फिर? मैं एक अच्छा प्लेयर था जिसने एंटरटेन किया। डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन, अग्रेसिव स्टाइल, लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हैं और आप अपने आप को सिर्फ एक अच्छा प्लेयर कह रहे हैं? लोगों का काम है, उन्हें भी तो कुछ करना है। मीडिया का काम है नाम देना, कभी नवाब ऑफ नजफगढ़, कभी मुल्तान का सुल्तान, तो ये मीडिया का काम है। वो अपना काम करते रहते, मैं अपना काम करता रहता हूँ, सिंपल। आपने अपना काम इतने बखूबी निभाया कि देखिए मैंने टॉकिंग पॉइंट्स मिलते रहे हमेशा। स्टार स्पोर्ट्स पे एक प्रोग्राम आता लेजेंड्स, मैंने नहीं किया वो अभी तक। मेरी शर्त यही थी कि या तो मुझे इतने पैसे मिले कि मैं वो लेजेंड प्रोग्राम कर दूं, या फिर वो प्रोग्राम का नाम बदल दें। दोनों ही चीजें नहीं हुई तो इसलिए शायद मैंने किया नहीं अभी तक। चलिए हंसी मजाक की बातें तो बहुत हुई, बट व्हाट यू सी हियर इज द आउटकम ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, नॉट जस्ट इन द पर्सनल लाइफ बट आल्सो प्रोफेशनली। और आपके बारे में इस इंटरेक्शन को लेकर, जर्नलिस्ट का काम होता है वो हमेशा थोड़ी बहुत रिसर्च करके ही जाता है। आई डिड माई रिसर्च एंड आई केम अक्रॉस दिस वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जब तक आपने क्रिकेट खेलना शुरू नहीं किया था तब तक आपके घर वालों को क्रिकेट क्या होता है इस खेल के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, और आपने किलोमीटर्स ट्रैवल किए हैं जस्ट सो दैट आप उस प्रैक्टिस सेशन तक पहुंच जाएं और अपने आप को तैयार करें। स्ट्रगल बहुत रहा जब शुरुआत की? जी बिल्कुल। नजफगढ़ में एक, दिल्ली में एक छोटा सा कस्बा है नजफगढ़। नजफगढ़ फेमस किस लिए था कि नजफगढ़ में फ्रंट पेज पे हेडलाइंस ही आती थी, आज नजफगढ़ में 2 मर्डर हो गए। तो वो उसको चेंज करते करते बहुत साल लगे, मतलब चेंज होते होते, करते नहीं, होते होते बहुत साल लगे। फिर एक आया कि नवाब ऑफ नजफगढ़, तो तब जाके वो बदली। लेकिन हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे जहाँ पर क्रिकेट तो दूर, मतलब घर में एक टीवी होता था उस पर सिर्फ महाभारत या चित्रहार देखने के लिए होता था। तो अब उस पर अगर मैं क्रिकेट लगा दूँ तो जो बाकी 55 लोग घर में बैठ के टीवी देख रहे वो नाराज़ हो जाते। तो लकीली 1992 का जब वर्ल्ड कप हुआ वो एक बेस्ट टाइम था मेरे लिए, क्योंकि वो सुबह 4 बजे मैच आते थे, सब सो रहे होते थे, तो मैं 3:30 बजे मैच आराम लगा के उठता था और 4 बजे से मैच देखता था। 8:30 बजे मेरा एग्ज़ाम होता था उस टाइम में, तो मैं पूरा मैच तो नहीं देखता, जितनी देर मैंने देखा फिर मैं एग्ज़ाम देने गया, और एग्ज़ाम भी उतनी देर देता था। मुझे मालूम है कि 45 मिनट्स के बाद शायद सेकेंड इनिंग स्टार्ट होगी, तो मुझे वो वापस जाके देखनी है, क्योंकि मेरा जो स्कूल था उस टाइम में वो इस दरवाजे पर मेरा घर था और इस दरवाजे पर मेरा स्कूल था, तो डिस्टेंस था वो ज़्यादा नहीं था, 100 मीटर ही होगा मैक्सिमम, 50 मीटर, तो स्प्रिंट अच्छी लग जाती थी जब एग्ज़ाम देके मैं बाहर निकलता था। तो हार्डवर्क शायद कौन होगा जो इसने हार्डवर्क नहीं किया होगा, यहाँ वही बैठा है जो हार्डवर्क करके आया होगा। लेकिन एक हार्डवर्क है जो दिखता है, एक हार्डवर्क है जो दिखता नहीं है। तो शायद हम लोगों का हार्डवर्क दिखता कम है,
क्योंकि हमें सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ऐड करते हैं, पैसे कमाते हैं, आईपीएल खेलते हैं, इंडिया के लिए खेलते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्ट्रगल होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है. और ये मेरी नहीं, सचिन तेंदुलकर ने भी अपनी मूवी बनाई, धोनी की भी मूवी आई है, उनमें उन्होंने अपना वो हार्डवर्क दिखाया कि वो क्या करते थे कैसे. तो आपका मेरी आने में आपका हार्डवर्क कब फिल्म के तौर पर देखने को मिलेगा? ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ प्रोड्यूसर है, चैनल 18, वाईकॉम, आप तैयार हैं? काफी पिक्चरें बनाते हैं. हाँ, मतलब अगर अच्छा पैसा मिलेगा तो मैं भी लेजेंड बन सकता हूँ, क्यों नहीं. तो मेरे, खैर ये तो मजाक, ये तो मजाक की बात है. मेरे जो अर्ली डेज थे नजफगढ़ से मेरी क्रिकेट की शुरुआत हुई. क्रिकेट में मैं कैसे आया कि मेरा एक ताऊजी का बेटा था, वो सरमाउंट क्रिकेट क्लब के लिए खेलने जाता था. 2 साल तक तो उसने मुझे रोका रखा कि मैं 8th से चाहता था कि मैं कोचिंग लेना शुरू करूँ, बट 2 साल से जैसे तैसे करके उसने मुझे पीछे रखा. लेकिन 10वीं के जब एग्ज़ाम हुए तब मुझे, मैंने गया वहाँ पर सरमाउंट क्रिकेट क्लब में कि भाई मुझे भी कोचिंग लेनी है. तब तक मेरा अच्छा खासा नाम हो गया था नजफगढ़ में कि मैं गलियों में बहुत खेलता था, टेनिस बॉल से बहुत रन बनाता था. तब 10वीं में गया तो वहाँ के जो कोच थे मिस्टर शशि काले, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने देख बैटिंग देख कर ये कहा कि बेटा कि तुम्हें ना नजफगढ़ से बाहर जाना चाहिए. तो नजफगढ़ मेरे लिए, दिल्ली से कितने लोग हैं? काफ़ी. दिल्ली में एक कनॉट प्लेस जगह है, तो नजफगढ़ मेरे लिए कनॉट प्लेस था जो 110 गांवों के बीच में एक शहर था, तो मैं उस कनॉट प्लेस में रहता था. तो वो एरिया था कि मुझे लगता था यार दिल्ली यही है, इससे आगे दिल्ली नहीं है, इससे आगे हरियाणा शुरू हो जाता है. तो फिर उन्होंने कहा नहीं तो बेटा दिल्ली के किसी स्कूल में एडमिशन ले जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती हो ताकि तू आगे निकल सके, क्योंकि यहाँ नजफगढ़ में इतने अच्छे बच्चे थे जो आगे नहीं निकल पाए. तो मैंने कहा सर फिर आप ही कोई स्कूल बता दें. तो उन्होंने फाइंड आउट करके मुझे बताया कि गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, जी ब्लॉक, विकासपुरी. तो वहाँ पर मिस्टर एन शर्मा के यहाँ उन्होंने मुझे भेजा. तो जब मैं पहली बार वहाँ गया गर्मियों की छुट्टियों में, तो उन्होंने ना मुझे 3 दिन तक ना बैटिंग कराई, ना बॉलिंग कराई, ना फील्डिंग कराई. वहाँ पर 150-200 बच्चे आते थे, मैं उनकी लाइन में मैं भी खड़ा था. तो जब 4th दिन मुझे बैटिंग करने का मौका मिला वहाँ पर, तो मुझे 6 बॉलों के बाद सर ने वापस बुला लिया बाहर. तो मैं बाहर आया तो मैंने कहा सर मैं 3 दिन के बाद तो मुझे बैटिंग करने का मौका मिला और आपने बाहर बुला लिया. तो उन्होंने कहा बेटा वो 3 दिन तो मैंने तेरे पेशेंस चेक किए थे, देख जब तू आया था 150 बच्चे तब 70 बच्चे रह गए, तो वो बरसाती मेंढक थे भाग गए, बट मुझे नहीं लगता कि तू बरसाती मेंढक है, तू सीरियस क्रिकेट खेलना चाहता है. तो मैंने कहा अच्छा सर वो तो ठीक है, लेकिन सब लोगों को 20 मिनट बैटिंग मिल रही थी, मुझे तो आपने 6 बॉल के बाद बुला लिया. तो कह रहे कि नहीं तेरा सिलेक्शन हो गया, अब तू अगर बोर्ड के एग्ज़ाम में पास होगा तो तुझे मैं एडमिशन दूंगा. अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि बोर्ड के एग्जाम में पास कैसे हो, पढ़ाई भी करनी थी उसके लिए. हाँ खैर हुए सब लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं, लेकिन उस टाइम में प्रेशर सबके ऊपर था कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे पास हो. तो खैर मैं ही नहीं, मतलब मुझे तो उम्मीद थी नहीं, मेरे साथ साथ मेरे वो 50-55 परिवार के जो लोग थे उनको भी उम्मीद नहीं थी कि इसका तो कुछ हो ही नहीं सकता. क्योंकि मैं स्कूल से आता था लगभग 12:30-1 बजे और अपना बस्ता फेंकता था अपने रूम में और खेलने चला जाता था. तो ये मेरा डेली का रूटीन था टिल मार्च, एग्ज़ाम तक भी. तो जब मैं रिजल्ट लेकर आया मैं मुस्करा रहा था कि मैं पास हो गया. तो जैसे जैसे मैं घर के नज़दीक पहुंच रहा था तो सब लोग खुश थे कि आज तो हम इसे चिढ़ाएंगे और ये. तो जब मैंने रिजल्ट सुनाया तो सब लोग बेचारे उदास हो गए, अंदर चले गए. तो मेरे एक ताऊ जी थे सबसे बड़े, जो हमारे फैमिली में सबसे पढ़े लिखे थे, बीए पास थे, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया. हाँ एक ही थे 5 में, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने मिठाई उठाई मंगाई. तो उन्होंने पूछा बेटा मांग क्या मांगते हैं, मैंने कहा सोने पे सुहागा हो गया. मैंने कहा मुझे 100 रुपये चाहिए क्रिकेट एकेडमी में कोचिंग लेने के लिए. तो उन्होंने पहली बार तब मुझे वहाँ पर 100 रुपये, मेरे 100 रुपये के साथ साथ उन्होंने एक जूस वाला होता था वहाँ पर नजफगढ़ में, जहाँ पर उन्होंने मेरा एक अनार का गिलास का जूस भी पर डे बांध दिया. और आपको ये सारी बातें याद है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि स्ट्रगल का हर एक मोमेंट आदमी भूलता नहीं है कभी. अच्छा कौन ऐसा है जिसको याद नहीं कि उसके बोर्ड के एग्जाम कैसे हुए थे? हर एक को याद है, क्योंकि अगर मुझसे पूछते कि मैं 5-6 साल का मैं क्या कर रहा था तब मुझे नहीं याद. तो मेरी मदर एक ही बात मुझे बताती है कि मैं बैट और बॉल के लिए रोता था, और रोता भी नहीं कि मैं आंसू से, सिर्फ ऐसे कर
मतलब मेरा चेहरा भी ना खराब हो और सबको पता चले कि मैं रो रहा हूँ. तो वो मुझे बताती थी, उतना ही मुझे याद है. एक मैं कहीं पढ़ रही थी, अब ये रूमर है या वाकई में हुआ है आप बताएंगे बेहतर, कि आपका जो इतना सेलिब्रेटेड करियर है ये बचपन में ही शायद खत्म हो जाता, क्योंकि आपका क्रिकेट खेलते खेलते दांत टूट गया था और आपके पापा काफी नाराज हुए थे, बट योर मदर सेव्ड यू समहाउ. सेवन्थ या एट्थ क्लास में था वो मुझे याद है, क्योंकि नजफगढ़ में एक ही ग्राउंड होता था जहाँ पर इतना ही बड़ा ग्राउंड होगा जितना बड़ा ही हॉल है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ कंकड़ पत्थर होते थे जहाँ पर हम क्रिकेट खेलते थे. तो मैं विकेट के पीछे खड़ा था, तो बॉल जब बॉलर ने डाली और बैट्समैन ने मिस की तो मैं झुका बैट के पकड़ने के लिए, कंकड़ पर गिरी और सीधा मेरे मुँह पर लगी. तो मुझे चोट लगने का डर नहीं था, तो मैं अपना दांत ढूंढ रहा था उन कंकड़ पत्थरों में, क्योंकि अगर दांत नहीं मिला तो सबको ये पता चल जाएगा दांत टूट गया, अगर दांत मिल जाता तो शायद मैं उसको कैसे तैसे करके चेप लेता और किसी को ये नहीं पता चलता कि मेरा दांत टूटा है. तो डर वो था, बट खैर दांत मिला नहीं. तो जब घर पहुंचा तो होठ सूजा हुआ था, सबने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं गिर गया. तो जब मुँह खोला तो देखा आधा दांत टूटा हुआ है. तो फिर मेरे फादर ने पूछा, तो किसी ने बताया कि ये खेलते हुए इसको बॉल लग गई और बॉल लग गई उसका. तो उनको लगा यार अगर दांत टूट सकता है तो शायद आँख भी फूट सकती है, कुछ हो सकता है तो मेरा बच्चा. तब उन्होंने मुझे खूब डांटा और कुछ दिन के लिए मना किया, बट जब मैं वही अपने कोने में जाके रोता था तो मेरी मदर आई, तो उन्होंने मेरे ताऊजी को बोला कि भाई ये आप अपने भाई को बोलो कि इसको खेलने दे वरना तो ये मेरा जीना नाम कर देगा. तो फिर वापस परमिशन मिली खेलने की, तो वहाँ से मैं आगे क्रिकेट खेला. क्योंकि हमारा ये जो इंटरेक्शन हो रहा है लीडरशिप समिट के तहत भी हो रहा है, और इस रूम में अगर आप किसी को भी लीडर का डेफिनेशन पूछेंगे तो शायद हर कोई अपनी तरह से उसको डिफाइन करेगा, लेकिन न सिर्फ क्रिकेट के लिहाज से लेकिन निजी जिंदगी में भी आप एक लीडर को कैसे डिफाइन करेंगे? नॉर्मली लोग कहते हैं द वन हु लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, बट शुडंट अ लीडर आल्सो नो व्हेन टू टेक दैट स्टेप बैक इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ हिज टीम? आई थिंक एक लीडर का जो रोल है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि वो अपने अपने कलीग से 100% एफर्ट कैसे लगवा सकता है. और मैं हमेशा एक ये अपनी टॉक में ये ज़रूर बात कहता हूँ कि सीईओ काम नहीं करता, काम नीचे वाले ही करते हैं, लेकिन सीईओ वो अच्छा होता है जो उनसे काम निकलवा सके, काम करवा सके. तो शायद इसलिए आज की डेट में आप आईपीएल चल रहा है तो सबसे बेहतर कप्तान हम एमएस धोनी को इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अपने खिलाड़ियों से काम निकलवा सकता है, वरना तो उनकी बॉलिंग अटैक आज की डेट में सबसे बेकार बॉलिंग अटैक है. लेकिन जीत वो ही रहे हैं कि एक भी बॉलर उस टीम का अगर आप कह दें किसी भी देश के लिए खेल रहा हो, ना तो दीपक चहर खेल रहे हैं, ना इमरान ताहिर खेल रहे हैं, ना हरभजन सिंह खेल रहे हैं, ना करण शर्मा खेल रहे हैं, ना उनके और मोहित शर्मा खेल रहे हैं, ना उनके शार्दुल ठाकुर खेल रहे हैं, कोई भी नहीं खेल रहा, लेकिन उनको पता है कि इनसे काम कैसे निकलवाना है, इनको कैसे रोटेट करना है. तो आई थिंक बेस्ट लीडर वही होता है. और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको ऑफिस में पता करना है कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं, तो उस चाय वाले से पूछो, क्योंकि उसको सब पता है कि ये लैपटॉप के सामने बैठकर मैच देख रहा है कि काम कर रहा है, क्योंकि वो सबको चाय पिलाता है. तो आई थिंक वैसे ही मैं अपने जब मैं कप्तान बना दिल्ली रणजी ट्रॉफी का या दिल्ली डेयरडेविल्स का, तो मैं जब भी मुझे कोई प्लेयर के बारे में पूछना होता था मैं उन बॉलरों से पूछता था. सपोज कर मैंने प्रदीप सांगवान से पूछा, वो एक दिल्ली के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, कि भी अंडर 19 खेल रहे हो कौन लड़के अच्छे, तो जाहिर सी बात है वो अपना नाम तो लेगा ही लेगा, बट वो सच भी बताएगा कि और कौन है. तो उस टाइम में उसने बताया कि भैया ईशान शर्मा है, एक विराट कोहली हैं, एक आदित्य जैन लड़के, ये चार लड़के हैं इंक्लूडिंग मी कि जो आगे शायद इंडिया खेल सकते. तो उनमें से तीन प्लेयर तो खेल ही गए, एक आदित्य जैन लड़का था जो बेचारा नहीं खेल पाया, बट बाकी विराट कोहली आज सब जानते हैं, ईशान शर्मा इंडिया खेल ही रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, और प्रदीप सांगवान आईपीएल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट काफ़ी खेल रहे हैं. तो आपको जेन्युइन अगर ओपिनियन लेनी है तो आप ऐसे बंदों से लो जिनका सेल्फ इंटरेस्ट कुछ ना हो, तो वो शायद आपको जेन्युइन ओपिनियन देंगे. क्योंकि अगर मैं किसी कोच से पूछता दिल्ली में तो ऑब्वियसली वो अपनी अकेडमी के अपने फेवरेट बच्चों के नाम लेता, इवन मैं अंडर 19 के कोच से भी पूछता, और ऐसा होता है क्योंकि कोई जेन्युइन नहीं देता, उनको मालूम है यार सहवाग को कहाँ फुर्सत है स्टैट्स देखने की, तो उसको जो नाम बता दो शायद उसको वही बता. तो लेकिन अगर आप अपने लीडर हो और आप अपनी रिसर्च खुद करते हो और आप उन लोगों पर विश्वास करते हो और पूछते हो उनसे, तो आपको जेन्युइन ओपिनियन मिलती है, वही काम है. ये एक बहुत अच्छी टैग लाइन है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट, इट्स वेरी गुड फॉर कॉर्पोरेट के लिए, बट एक्चुअली काम करते हैं जिनसे आप काम करवा सकते हो वो लोग. तो मुझे लगता है कि वो शायद कुछ ही लोगों में क्वालिटी थी जो इंडियन टीम की शायद सबसे बेस्ट थी सौरव गांगुली में,
क्योंकि जब मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद नई टीम बनी तो शायद उन्होंने वो लीडरशिप दिखाई, शायद अपने खिलाड़ियों को चुना और एक टीम बनाई और टीम ने पहली बार ओवरसीज टेस्ट मैचेस जीतने शुरू किए या ओवरसीज टूर्नामेंट जीतने शुरू किए। क्योंकि आपने सौरभ गांगुली जी का नाम लिया है, उनसे जब भी आपके बारे में पूछा जाता है एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आपके कप्तान थे टीम को एक साथ रखने में वगैरह वगैरह सवालों में, तो वो हमेशा कहते हैं कि आप वीरेंद्र सहवाग को चाहे कुछ भी कहो, कोई भी इंस्ट्रक्शन दो, फील्ड पर जा करके वीरेंद्र सहवाग वही करेगा जो उसे करना है। एंड दैट एटीट्यूड एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटेड योर गेम आई वुड से, और ये इन्हीं इसी एटीट्यूड की वजह से है या आप नजफगढ़ के नवाब के नाम से भी जाने जाने लगे? बैक स्टेज आपने भी पूछा था ना, मैं ये सवाल पूछ सकती हूँ क्योंकि सवाल कोई भी हो जवाब तो मैंने ही देना है तो मुझे किस्सा याद आता है कि सौरभ गांगुली, हम लोग लॉर्ड्स का फाइनल खेल रहे थे जो बहुत फेमस फाइनल था, तो जब इनिंग खत्म हुई तो मैं अंदर गया और मैं अंदर गाने गा रहा हूँ, सीटियाँ बजा रहा हूँ, मस्त अपना खाना खा रहा हूँ, पेट भर के खाना खाया मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि शायद मैं जाके रन बनाऊंगा तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी दबा के। तो सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर वो थोड़ा थोड़ा सा खा रहे हैं, थोड़े से राइस, थोड़ी सी दाल या चिकन करी वो डाल के लाए प्लेट में, वो खा रहे हैं। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि यार हम लोग 325 रन चेज करने जा रहे हैं यार, तू पेट भर के खा रहा है, गाने गा रहा है, सीटियाँ मार रहा है। तो मैंने कहा दादा जब ये घोरे बना सकते हैं तो हम तो इनसे बहुत आगे हैं। मैंने कहा क्योंकि उस टाइम में इंडियन टीम इतने वनडे मैचेस खेलती थी, जितना एक्सपीरियंस हम लोगों का था उतना इंग्लैंड का नहीं था। तो मैंने कहा ये बना सकते हैं यहाँ पर तो हम तो मेरे ख्याल से 5-6 और पहले मैच खत्म कर देंगे जो बैटिंग लाइनअप हमारी है। तो वो एक आत्मविश्वास था आपको, और वो आत्मविश्वास कभी कभी दूसरों को देखकर भी आता है कि जब आप दूसरों को देखते हैं यार अगर ये कर सकते हैं, मतलब अगर एक पतला सा दुबला सा आदमी अगर 100 किलो उठा सकता है तो हट्टाकट्ट आदमी कहेगा यार ये उठा सकता तो मैं भी उठा सकता हूँ। तो इस टाइप का कॉन्फिडेंस था, तो वो शायद मेरे अंदर बचपन से था मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने ऐसे काम किए थे। हमने 325 तो इंडियन टीम ने शायद उस पर पहली बार चेज किए थे, मतलब 10 ओवरों में 120-140 तो मैंने कितनी बार चेज किए जब मैं टेनिस बॉल या क्लब क्रिकेट खेलता था। तो मेरे लिए तो आम बात थी कि रोज़ का एक रूटीन था कि आज 5 ओवर में 70 रन बनाने हैं, 10 ओवरों में 140 रन बना रहे हैं, तो 50 ओवरों में 325 रन बनाना तो एक आसान सा टास्क लग रहा था। खैर उतना आसान हुआ नहीं हमारे लिए, खैर हम लोग 100 पे एक थे, 120 पे 5 थे, थैंक गॉड उसके बाद युवराज और मोहम्मद कैफ ने वो इनिंग खेली जिसके बदौलत हम लोग जीते। बट ये कहानी है, मतलब सौरव गांगुली हमेशा कहते हैं मैं इंडिया का दूसरा बेस्ट ओपनर हूँ, मुझे आज तक समझ आया उन्होंने पहला कभी क्यों नहीं कहा, अगर तारीफ ही करनी तो पहला ही कहते थे। और ये जो आपका कमेंट्री का नया रोल तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आप ड्रेसिंग रूम के ज़माने से ही हमेशा कभी अपनी गेम खेल करके आ गए तो दूसरे प्लेयर्स को भी अपनी कमेंट्री से बहुत डिस्टर्ब करते थे आई हैव हर्ड। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जब मैं बैटिंग करता था तो मैं लोगों को एंटरटेन करता था, ये मैं सोच के जाता था कि यार इतने सारे लोग आए हैं देखने, टीवी पे भी लोग देख रहे होंगे तो मुझे चौके छक्के मारते रहना पड़ेगा ताकि वो एंटरटेन रहें। और जब मैं आउट होके अंदर जाता था ना तब गेम बहुत बोरिंग हो जाती थी, बट मेरा रोल वही था कि मैं अंदर वाले बैठे लोगों को एंटरटेन कैसे करूं, तो उनको एंटरटेन करने के लिए मैं कमेंट्री करता था। और तो उस समय मैं शायद रवि चतुर्वेदी बन जाता था क्योंकि बहुत बड़ा फेमस नाम था, क्योंकि आपने रेडियो पर सिर्फ रवि चतुर्वेदी जी की कमेंट्री सुनी है, कभी टीवी पर भी सुनी, तो वो मैं बन जाता था। तो बस ऐसे ही उस समय भी बन के हम लोग जिस मर्जी प्लेयर को मजाक में क्रिटिसाइज करते हैं कि राहुल द्रविड़ बहुत स्लो खेल रहे हैं, आज तो लगता है हमें पूरे दिन सोना ही पड़ेगा, तो इस टाइप की लाइनें हम लोग इस्तेमाल कर लेते, तो वो मजाक था और मजाक में मैं बच के निकल जाता था। यू मेक इट साउंड वेरी इजी बट आई एम श्योर जब आप वहाँ एंटरटेन करना, अभी आप कह रहे हैं कि लोगों को चौके छक्के मार करके एंटरटेन आपको करना होता था, पर वहाँ तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था क्योंकि पब्लिक जब आपको पसंद करती है तो सराखों पर भी बिठाती है और जब क्रिटिसाइज करती है तो वेल आई डोंट हैव टू रियली से कि क्या होता है। देखिए मेरा अकेले का ही काम थोड़ा था इंडिया को जिताना और 15 लोग भी थे। जो खिलाड़ी थे वो इतने महारथी थे कि मैं जो मर्जी करूँ वो पीछे संभाल ही लेते थे, तो ये विश्वास था मुझे
कि राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण ये टेस्ट क्रिकेट में आएंगे. अगर वनडे क्रिकेट की बात करें तो शायद तीन नंबर पे उस समय शायद सौरव गांगुली खेलते थे और फिर राहुल द्रविड़ आते थे, फिर युवराज सिंह आते थे, फिर एमएस धोनी आते थे. तो मैं, मेरे लिए इतना आसान था कि मैं जो चाहे ऊपर करूँ वो बेनिफिट ही देने वाला था मेरी टीम को, चाहे मैं जीरो पर भी आउट हो जाऊँ. क्योंकि गैरी क्रिस्टन की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जब वो 2008 में, उन्होंने एक ही बात मुझे कही कि वीरू मैं तुझसे सिर्फ और 20 रन चाहता हूँ, चाहे तू एक ओवर में बना चाहे तू 10 ओवर में बना, तू अपने 20 रन बना देगा तो बाद वालों के लिए मेरे आसानी हो जाएगी. क्योंकि जब तू 20 रन बनाएगा तो जो स्कोरिंग रेट है वो 6, 7, 8 की होगी, पीछे वाले आएंगे उसको नीचे से आराम से 3 पे ले आएंगे, तो अपना टाइम ले लेंगे, तो अपना टाइम ले लेंगे तो वो सेट हो जाएंगे, तो फिर मेरी टीम के लिए अच्छा रहेगा. तो वो, और उनकी बात में लॉजिक ये था कि कोई भी खिलाड़ी 20 रन बनाने के बाद आउट नहीं होता, क्योंकि मुश्किल सिर्फ पहले 20 ही होते हैं. बट अगर आपको कोई ये बोल दे कि आप सिर्फ जाके 20 रन बना आउट होके आ जाओ, तो आप खुशी खुशी जाते हो कि मेरे पे तो कोई प्रेशर ही नहीं है, मुझे तो 20 ही रन बनाने हैं. तो शायद कभी कभी वो 1 में 20 बन जाते थे, मैं आउट होके आता था, गैरी पूछते थे क्या किया, मैंने कहा तूने ही तो कहा था, मैं तो 20 बना के आ गया. तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है. मुझे याद है पाकिस्तान का मैच सेमीफाइनल 2011 वर्ल्ड कप, जिसमें मैंने एक ही ओवर में 20 रन मार दिए, तो मैं टैप करते हुए टंडू के पास गया, मैंने कहा गैरी ने 20 रन बोला था, एक ही में बन गए, अब जितने बनेंगे बोनस है. तो शायद मैं 33 रन पे आउट हो गया. तो कभी कभी आप किसी खिलाड़ी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी देते हो, बहुत छोटी सी लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट. और कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि एडवाइस आपकी उल्टी पड़ जाए और आपकी एडवाइस की वजह से कोई आउट हो जाए? आप कहना क्या चाह रहे हैं, डायरेक्ट बोलिए. क्योंकि सिर्फ ये आप ही कर सकते हैं कि अपने ही टीम के मेंबर और भगवान को आपने एडवाइस से आउट कर दिया. नहीं देखिए, भगवान को कोई आउट नहीं कर सकता. बट हाँ ये है कि कभी कभी आपकी एडवाइस अच्छी भी पड़ती है, कभी कभी आपकी एडवाइस ख़राब भी पड़ती है. तो दो इंसिडेंट थे, दोनों मैं आपको बता दूँ. कि हम लोग साउथ अफ्रीका से आए थे और इंग्लैंड से खेल रहे थे, तो मैं और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे. तो मतलब मैं आया था बैटिंग करने, सचिन तेंदुलकर बहुत देर से बैटिंग कर रहे थे, 60-65 ओवर. तो मैंने आया, ठक 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 50 पे पहुंच गया, वो अभी 66-67 पे ही पहुंचे थे. तो एशले जाइल्स उनको ओवर द विकेट डाल रहा था टांग पर, वो बार बार पैड करे जा रहे मैडन पे मैडन. तो जब मैं एशले जाइल्स को आया तो पहली बॉल मैंने रिवर्स स्वीप मारी, दूसरी मैंने स्वीप मारी, फिर रिवर्स स्वीप, 3 चौके करो. मैं गया, मैंने कहा पाजी आसान है, मार सकते हो रिवर्स स्वीप, मार सकते हो. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, रिवर्स स्वीप मारते हुए शायद रफ में गिर गई और आउट हो जाऊँगा. तो मैंने कहा अच्छा. अगले ओवर मैंने स्टेप आउट करके एक चौका मारा मिड ऑन के ऊपर से, फिर स्टेप आउट करके छक्का मारा. तो मैंने बोला स्टेप आउट करके मार सकते हो, ये आसान है. तो उन्होंने कहा अच्छा. हाँ, वो स्टेप आउट किया और स्टंप आउट हुए. लाइफ में 200 टेस्ट मैच में एक ही बार स्टंप आउट हुए हैं वो, आपकी बदौलत. क्रेडिट गोज टू सहवाग. तो ये किस्सा हुआ था. एक किस्सा अनिल कुंबले के साथ हुआ था, वो भी मुझे ही ब्लेम करते हैं कि मैंने 150 रन बनाए एडिलेड टेस्ट मैच में. मैं बैटिंग कर रहा था, लंच से लेकर और टी तक मैंने कोई चौका नहीं मारा, क्योंकि उस समय बड़ी क्रूशियल थी कि हम लोगों की केवल 80 या 100 रन की लीड हुई थी और 4 आउट हो गए थे. मुझे ये था कि शायद ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच जीत सकता है अगर हम आउट हुए. तो मैंने टी तक कोई चौका नहीं मारा. तो मैं टी तक हम लोग पहुंच गए थे करीब आराम आराम से खेलते 150. तो मुझे ये पता था कि लास्ट सेशन में 150 तो नहीं बना सकते. तो उसके बाद फिर मैंने अपने शॉटें मारनी शुरू करी और 150 बनाए, आउट होके वापस आ गया. तो अनिल कुंबले की पार्टनरशिप हो रही थी ईशांत शर्मा के साथ. तो अनिल भाई ड्रिंक्स में मैसेज मैंने भिजवाया. मैं कहा अनिल भाई यार इतनी देर हो गया, आप ईशांत शर्मा कभी भी आउट हो सकता, 80 पे पहुँच गए, एक ही ओवर की तो बात है, एक छक्का चौका मारो, अगले ओवर में फिर एक मारो, ख़त्म, 100 बन जाएगा, वापस डिक्लेयर करेंगे, मैच ख़त्म. तो उन्होंने कहा हाँ. वो गए अंदर, उन्हें पहली बॉल मारी, पहली पे आउट हो गए. अब मुझे ये नहीं पता था कि अनिल कुंबले आउट भी हो सकते, क्योंकि जब मैं मारता हूँ तो मैं आउट नहीं होता, मैं ये सोच के मारता हूँ. तो मुझे लगा शायद अनिल कुंबले भी मारेंगे तो, बट उनकी काबिलियत उतनी नहीं थी जो सहवाग की थी, तो इसलिए वो आउट हुए. तो वो हमेशा मुझे वो इनिंग याद दिलाते हैं. हाल ही में हमने एक दोनों ने प्रोग्राम साथ किया, उसमें भी वो इनिंग याद दिला रहे थे कि तेरी वजह से मेरा दूसरा शतक नहीं बना. तो कभी कभी पड़ जाती, लेकिन कभी कभी एडवाइस इतनी अच्छी पड़ जाती कि हम 2007 वर्ल्ड कप T20 जीते, क्योंकि धोनी नए नए कप्तान बने थे. तो जब वो आए थे इंग्लैंड से, मैं आया था दिल्ली से, क्योंकि मैं उस समय टीम का हिस्सेदार नहीं था, तो
तो आए तो हमने उन्होंने मीटिंग की तो ऐसे पूछा कि भाई क्या करना चाहिए. तो मैंने कहा मेरा जितना एक्सपीरियंस है साउथ अफ्रीका में, पहले बैटिंग करो, 100 भी बना ली तो हम लोग डिफेंड कर सकते हैं. क्योंकि साउथ अफ्रीका में जितनी रात को बॉलिंग करोगे उतनी स्विंग सीम ज़्यादा हुई. हम लोग जितने भी टॉस जीते पहले बैटिंग के सारे मैच जीते. एक में ही हमने पहले फील्डिंग की जिसमें हम लोग हारे, जिसमें चेज कर रहे थे न्यूजीलैंड के खिलाफ 190, सिर्फ वो मैच हारे, बाकी हम कोई मैच नहीं हारे. कभी कभी एडवाइस ऐसे भी चल जाती है. और शानदार शानदार रही वो एडवाइस आपकी. बिल्कुल. आपने सौरव गांगुली की कप्तानी देखी है, आपने MS धोनी की कप्तानी में भी खेला है, और अब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं विराट कोहली को, और तीनों का स्टाइल बहुत ही यूनिक है, वेरी डिस्टिंक्टिव, काफी अलग है एक दूसरे से. सौरव एक, MS दो, कोहली तीन. आंसर. हालांकि मैं ये नहीं पूछने वाली थी कि आप नंबर वन पे किसको रख रहे हैं. मेरा सिर्फ आपसे सवाल ये था कि किसकी स्टाइल आपको लगती है कि ज़्यादा बेटर टीम का परफॉर्मेंस उभार पाती है. आई थिंक मुझे लगता है कि जब आपके पास टीम नहीं हो तब लीडरशिप का काम बहुत ज़्यादा है. क्योंकि नई टीम को बनाना, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं नहीं, उनसे कैसे 100% लेना, तो वो शायद सौरव गांगुली ने किया. वो अग्रेशन सौरव गांगुली दिखाया जिसके नतीजे आए. फिर देन उसके बाद राहुल द्रविड़ ने टेक ओवर किया, फिर अनिल कुंबले, फिर MS धोनी आया. आई थिंक MS धोनी जब आए तो उनके पास एक टीम थी पकी हुई, बनी हुई, तब उनको वो कप्तानी मिली वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट की. वहाँ से वो, क्योंकि एक्चुअली हम लोग जब टेस्ट नंबर वन बनना चाहते थे तो वो अनिल कुंबले की कप्तानी में सपना था. तो उन्होंने वो मीटिंग में, पहली मीटिंग में एजेंडा लगाया था कि टेस्ट टीम नंबर वन, तो वो बोर्ड पर लिखा था. तो उस वो एक साल तक लगभग उन्होंने कप्तान किया. तो जब हम लोग बनने वाले थे तब वो रिटायर हो गए, तो शायद वो क्रेडिट MS को मिला. बट एक्चुअली हम सब लोग जो उस 15 खिलाड़ी थे वो अनिल कुंबले को वो क्रेडिट देते थे. इवन आप कभी MS धोनी से भी अगर ऑफ द रिकॉर्ड पूछोगे तो वो ज़रूर आपको बताएगा. तो ये एडवाइस मैं आपकी याद रखूंगी. हाँ, ऑन द रिकॉर्ड वो नहीं बोलेंगे. ऑन द रिकॉर्ड तो उन्हीं को क्रेडिट जाता है. तो मेरे ख्याल से इसलिए मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट सौरव गांगुली को देता हूँ. उनको हकता भी नंबर वन, क्योंकि उनको मालूम था बड़े जल्दी डिसीजन लेते थे. 2002 में चाहे चैम्पियंस ट्रॉफी हो, चाहे 2002 की सीरीज़ हो इंग्लैंड में, या 2003 वर्ल्ड कप हो, कि कौन सा ऐसा कप्तान होगा जो ओपनर था और अपनी जगह उसने दूसरे खिलाड़ी को दी. फिर वो तीन नंबर पर बैटिंग आए, फिर उन्होंने तीन नंबर की जगह MS धोनी को दी. कौन सा ऐसा कप्तान कर सकते हैं, बहुत कम कप्तान. तो एक वर्ल्ड कप में किस्सा हुआ था, हम लोग दो मैच खेले थे. पहला मैच मुझे याद नहीं, कोई नीदरलैंड या कोई नेबीबी ऐसी टीम थी. दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से था. तो दोनों में ओपनिंग पार्टनरशिप हुई नहीं, तो सचिन और सौरव कर रहे थे. तो हम लोग जिम्बाब्वे पहुँचे. तो जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि टीम मीटिंग हुई और जॉन राइट ने एक सवाल लिखा हुआ था, हु शुड ओपन फॉर इंडिया. तो और उसमें लिखा हुआ था कि भाई अपनी चिट दो लिख के. तो सब ने चिट दे दी. अब जब चिट खुली तो 14 कह रहे थे कि सचिन और सहवाग को करनी चाहिए, एक कह रहा था सचिन और सौरव को करनी चाहिए थी. तो वो एक कौन हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते. खुद कप्तान सौरव गांगुली थे. तो वो कहते थे नहीं, तुम लोग साजिश कर रहे हो मेरे खिलाफ, सब मिलकर मुझे ओपनिंग से हटाना चाहते हो. बट वो समझे एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, वो समझे कि भाई अगर हमको वर्ल्ड कप जीतना है तो शायद जो टीम के बाकी 14 लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि सहवाग और सचिन को ओपनिंग करनी चाहिए. एंड देन वो खुद तीन नंबर पे आए और हम लोग वर्ल्ड कप फाइनल खेले. अनफॉर्चुनेटली फाइनल हार गए. जस्ट अ कपल ऑफ क्विक क्वेश्चंस, क्योंकि ट्विटर पर आप हर मुद्दे पर बोलते हैं, यू नेवर शाय अवे फ्रॉम यू नो इवन टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स. देयर इज अनदर रूमर दैट ऑलवेज डज द राउंड. हर 5 साल में ये रूमर आ जाता है कि वीरेंद्र सहवाग अब बस पॉलिटिक्स में एंटर करने वाले हैं. इस बार भी वो नहीं हुआ. आर यू नॉट रेडी और आर यू नॉट विलिंग? देखिए मैंने अपनी सारी उम्र ना पहले DDC के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे खेला, फिर इंडियन टीम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे खेला, फिर IPL में कॉन्ट्रैक्ट के लिए खेला, अब स्टार के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे कमेंट्री. तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दे देगी. बट यहाँ पर मैं फीस चुन नहीं सकता था, बट यहाँ पर मैं फीस चुनूंगा. तो लगभग 5 साल के 20 करोड़ रुपये मैं कमाता हूँ साल के, तो 100 करोड़ तो मिलने चाहिए ना. तो अगर है किसी पार्टी के पास 100 करोड़ मुझे देने के लिए तो मैं कल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता हूँ. एक प्रोसेस तो अभी इंडिया में भी चल रहा है लीडर चूज करने का. कुछ शब्दों में इफ यू कैन डिफाइन द काइंड ऑफ लीडर दैट इंडिया राइट नाउ नीड्स. आई थिंक आप इनडायरेक्टली सवाल बहुत पूछ रहे हैं. मुझसे डायरेक्टली पूछे तो मैं बेहतर आंसर. सीधा सवाल था सर कि इंडिया को किस तरह के लीडर की आज की तारीख में जरूरत है. आज जब लोग इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना लीडर चुनना चाहते हैं, तो ये चैनल BJP के साथ है या अगेंस्ट में? इंडिया के साथ है.
ये सवाल सवाल ऐसे चैनल की तरफ से है जो इंडिया के साथ है, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट गिव यू ऑप्शंस. अगर ऑप्शंस दिए होते तब हाँ, मुझे लगता है कि लीडर वो होना चाहिए जिसमें दम हो डिसीजन लेने का, चाहे वो कोई भी हो. किसी हमारे यहाँ अगर ये हो जाए कि भाई हम लोग पार्टी को वोट ना देकर किसी लीडर को वोट दें, तो आप देखें कि शायद आधे से ज़्यादा लीडर तो आए ही ना, क्योंकि उनको कोई वोट नहीं देना चाहता. बिकॉज वो पार्टी के थ्रू आते हैं तो पार्टी को वोट मिलता है तो वो जीत जाते हैं. बट मैं ये चाहता हूँ कि लीडर वो आए जिसमें दमखम हो डिसीजन लेने का, जो फास्ट डिसीजन ले सके, जो हमारे देश के हित में डिसीजन ले सके, जो हमारे आर्मी के हित में डिसीजन ले सके, कि उनको भी उतनी छूट मिलनी चाहिए, उनको दबा कर नहीं रखें, पुलिस को जो पूरी छूट दे. तो जो डिसीजन ले सके अपने दम पर, शायद वो लीडर आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी के हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एंड में मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए, इंसान आगे नहीं या पार्टी आगे नहीं. जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी टेक दीज क्वेश्चन जो कि हमारे ऑडियंस की तरफ से आए, एंड देन आपको इन सवालों में से दो सवाल ऐसे चूज करने जो आपको बहुत पसंद आए हों. जी, उससे पहले मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन भी होने वाला है. व्हाट इज योर थॉट ऑन व्हाट इंडिया स्टैंड शुड बी व्हेन इट कम्स टू शुड बी प्ले विद पाकिस्तान और नॉट, क्योंकि कुछ लोग दो पॉइंट्स को लेके भी बहुत ज्यादा चिंता में है. दो पॉइंट्स अभी भी आ रहे थे कि हमें पाकिस्तान से वॉर करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये भी दो पॉइंट थे. तो जो देश हित के लिए बेहतर होगा वो हमें करना चाहिए. तो ये भी एक मैच जब होता है, ये भी किसी वॉर से कम नहीं होता, और बेहतर है कि आप वॉर जीतो, हारो ना. बहुत शानदार जवाब है आपका. सो देयर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस. सैफ शेख इज आस्किंग यू, यू स्कोर्ड मोस्ट ऑफ योर सेंचुरीज बाय हिटिंग 6 of 4, सो व्हाट वाज गोइंग ऑन योर माइंड व्हेन द बॉलर अप्रोच्ड यू ड्यूरिंग द गेम. अलीशा फर्नांडिस पूछ रही है, वीरू पाजी, व्हाट इज योर मोस्ट फेवरेट मोमेंट विद MS धोनी. क्वेश्चन नंबर 3 इज, डू यू थिंक RCB शुड साइन यू टू चेंज देयर फॉर्च्यून्स इन दिस ईयर्स IPL? ये निशा ठक्कर का क्वेश्चन है. 4th इज, इन 2004 एट मुल्तान अगेंस्ट पाकिस्तान व्हाइल यू हिट 309, विच सॉन्ग वर यू हमिंग बिफोर द 300 दैट यू स्कोर्ड, कंसिडरिंग यू ऑलवेज कीप हमिंग सॉन्ग्स ड्यूरिंग मैचेस? और विकास शेंडेकर ये सवाल पूछ रहे हैं. एंड द लास्ट वन इज, हु वॉज द फास्टर रनर बिटवीन यू एंड सौरव गांगुली? Amrita is asking that question. Okay. And how much commission I'll get? Okay, let me take the 5th one first. Okay. Yeah. So obviously, Saurav Ganguly ko main kabhi aaj bhi hara sakta hun sprint mein. Amrita, you got your answer. Kyunki Saurav, jab hum logo ka ek 2001-2000 mein camp laga tha, to usme hamare coach John Wright the, to us camp mein hum log daily ek running karte the. तो उस रनिंग में सबसे आगे कौन होता दौड़ने में? जॉन राइट, मोहम्मद कैफ, राहुल द्रविड़, और बाकी हम सब पीछे. और सबसे पीछे वाली लाइन में कौन होता था? तेंदुलकर, गांगुली, सहवाग, युवराज, जहीर खान. तो वो जो पीछे वाले थे वो हमें कहते थे, हम तो ठीक हैं तेंदुलकर और गांगुली, तुम तो अभी अभी आए हो, तुम क्यों पीछे दौड़ रहे हो? तो दौड़ने में सब किसी को मज़ा नहीं आता था, लेकिन आज भी मैं बैट कर सकता हूँ. हाँ, सौरव गांगुली को आज बरस हमने चैलेंज भी किया था, बट वो कभी आया नहीं लौट के वो चैलेंज एक्सेप्ट करने. और एक शायद एक और सवाल था कि मैं कौन सा गाना गाता था. हाँ, क्योंकि RCB को लिए कोई भी बन जाए उसको कुछ नहीं कर सकता. तो 4th कि मैं कौन सा गाना गुनगुनाता था, तो मेरे गाने बदलते रहते थे मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से. तो क्योंकि मैं 300 बना रहा था उस समय, मेरा फेवरेट गाना था किशोर कुमार का चला जाता हूँ, किसी की धुन में धड़कते दिल की तरह. तो ये मैं बहुत गाता था, मतलब ये गाना अगर मैं चाहे उदास हूँ चाहे खुश हूँ, अगर लगा दूँ तो मेरा मूड बदल जाता है. बट ऐसा भी समय था जब मैंने भजन भी बहुत गाए, 2005, 2006, 2007, बहुत साई नाथ तेरे हजारों हाथ, या 300 साल गुरु दे नाल हर वेले हर दम तेरे नाथ. तो ये भी बहुत बहुत गाए, बट किसी ने सक्सेस नहीं दिलाई. जब सक्सेस मिली तो वो गाने तब्दील हो गए, या तो चला जाता हूँ या चिट्टियाँ कलाइया हुए. थोड़ा सा गुनगुनाना पसंद करेंगे? हाँ, यहाँ गुनगुनाने के पैसे नहीं मिले हैं. यहाँ बस वही एक हो रहा है, उसका सेपरेट अगर मेरा इनवॉइस जाएगा तो. सुन रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स सुन रहे हैं इस बात को. तो ये दो आपके फेवरेट क्वेश्चन हैं? हाँ, दो ले ली मैंने. इनमें से आपको ये दो आपको फेवरेट आपको क्वेश्चन पसंद आए? जी, जो तो विकास शेंडेकर एंड अमृता, योर क्वेश्चंस हैव बीन सिलेक्टेड बाय वीरेंद्र सहवाग. कांग्रेचुलेशंस आई वुड से.